नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। जम्मू कश्मीर राष्ट्र राजमार्ग का सबसे बड़ा नाका उधमपुर से 3 किलोमीटर दूर काली माता मंदिर के पास ये नाका बना हुआ है। सबसे बड़ी दुखद घटना मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि रात 11 और 12 के बीच दो जवानों के बीच कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और एक जवान द्वारा फायर ओपन किया गया। ये फायर सिलेक्शन ग्रेड के काका राम जी को यहाँ पर लगा और यहाँ से बाहर निकल गई गोली। गोली चलाने वाले का नाम मनोहर लाल बताया जा रहा है। काका राम जी को तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में दाखिल करवाया गया। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें कमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल MH वहाँ पर उन्हें दाखिल करवाया गया। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी SSP हो, चाहे DIG हो और चाहे SHO हो, वो मौके पर रहे। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात ये मैं बताने जा रहा हूँ कि काका राम जी की डेथ हो गई, मौत हो गई। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो सबसे बड़ा नाका जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा ये नाका है उधमपुर में, यहाँ पर कश्मीर से आने वाली गाड़ी हो उसे चेक किया जाता है और चाहे जम्मू से कश्मीर जाने वाली गाड़ी हो उसे चेक किया जाता है। यहाँ पर हर समय जवानों को तैनात किया जाता है और जवान हर एक गाड़ी की निगरानी करते हैं, उन्हें देखा जाता है। और यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ पर पुलिस के जवान रहते हैं। लेकिन फिर आपको ये बता दूँ मैं कि सबसे बड़ी दुखद घटना कि रात के समय में 11 और 12 के बीच में दो जवानों के बीच कहासुनी होती है, गोली चलती है, एक जवान जो कि काका राम सिलेक्शन ग्रेड के हैं उन्हें गोली यहां पर लगती है और यहां से वो बाहर निकल जाती है। उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में दाखिल करवाया जाता है, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें कमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल MH वहाँ पर ले जाया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मौत हो जाती है। गोली चलाने वाले का नाम भी मैंने पहले आपको बताया कि मनोहर लाल बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जांच चल रही है। लेकिन फिर मैं यही बताना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर राष्ट्र राजमार्ग का सबसे बड़ा नाका है। कैमरामैन रशपाल सिंह के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।